नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स कैसे डिवाइड करते हैं। वन टर्म वाले को, जैसे कि हमारे पास गिवन है सिर्फ वन टर्म या 3x³ 7x² दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल एंड टू टर्म्स वाले को 4x+3x³+x, ये टू टर्म्स वाले हैं, इसको बायनोमियल बोलेंगे, 4x³+x+3। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एक से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे तो हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट लिखिए, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे, या आपको गिवन होगा एक्स इक्वल टू 1 गिवन होगा, या एक्स की कोई भी वैल्यू गिवन होगी, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल जो होगा, जो हमारे पास इक्वेशन दिया रहता है x³+2x² - 7x+3, ये हमारा एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 2। पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकालना है हमको, 2 क्यूब करेंगे, 2x की जगह में हम जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लगाएंगे, 2 की वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि हमको x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है। -7 and 2+3, 2 2 4 2 8 आएगा, 2 2 4 2 8 बनेगा यहाँ पे भी, एंड 7 2 14, दिस इज +5+3 16+3 is 19, 19 - 4 = 5। ये क्या आएगी, वैल्यू ऑफ पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई, एक्स इक्वल टू 2 पे आई, अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो x-2 is equal to 0 हो जाएगा। जो ये x-2 है, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू जो है नहीं आ रही इक्वल टू 0 के, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन x-2 से, जैसे कि यही वाला ले लो सेम, x² + 2x² - 7x + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5। ठीक है, सॉल्व करना मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब x-2 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो वी कैन से दैट x-2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू ये 0 नहीं बना रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x-2
is not the 0 of the polynomial. Let's do one more question. Polynomial given hai hamare paas 7x square minus 2 root 8x minus 6. Show karna hai, humko prove karna hai ki root 2, whether root 2 is a 0 of the polynomial or not. Check karna hai humko ki ye root 2 jab hum put karte hain to iski value 0 aati hai ya nahi aati. Agar polynomial ki value 0 aa jayegi to ye root 2 0 of this polynomial ho jayega. Iska matlab kya hua ki root 2 x minus root 2 jo hai iska factor ho jayega. 0 of the polynomial ka matlab hai ki x minus root 2 equal to 0. To humare paas root 2 already aise given hai. Iska matlab ki x ki value root 2 given hai humare paas. Jo yahan bracket mein likhenge, wahan x ke place mein root 2 likhenge. 7 root 2 square minus 2 into 8 into root 2 minus 6. तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके? 2 को root 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा 7 into 2 minus 2 into root के अंदर a root a into root b करते हैं तो root a भी आ जाता है तो 8 into 2 16 आ जाएगा and minus 6 14 16 का root 4 हुआ 4 to the 8 minus 6 यानि कि 14 minus 14 equal to 0. Hence we can say that root 2 is the 0 of the given polynomial, or we can also say that x minus root 2 is the factor of this polynomial. यानि कि जब हम इससे divide करेंगे इसको, तो remainder क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा. देखिए, ये वाला जो था, x minus root 2 था. और हमारे पास given था 7x square minus 2 root 8x and minus 6. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी? 0. इसीलिए वो 0 ऑफ द पॉलीनोमियल हो गया. यहां पे हमारा px की वैल्यू आती है, यहां पे gx की वैल्यू आती है एंड qx दिस इज rx जो हम बचपन में करते थे डिविडेंड equal to divisor into quotient plus remainder करते थे तो dividend यहाँ पे क्या है px and divisor is gx and quotient is q of x and remainder को क्या करेंगे rx polynomial of x is dividend. This is divisor, this is quotient, this is remainder. Remainder जब 0 आ जाएगा, तो px की value जो है, and qx और gx, दोनों px के factors होंगे. Next concept समझते हैं, find the 0 of the polynomial. Find the 0 of the polynomial. 0 of the polynomial means px ki value equal to 0 aana chahiye. Jo bhi and hamare paas polynomial of x is given equal to x minus 8. Theek hai? X minus 8 polynomial of x ki jagah mein hum place karenge x minus 8 equal to 0
x इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 8 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए पुट करके 8 को पुट कीजिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ 8 कर दीजिए, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास 5x प्लस 3, हमको क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। px की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। इसका मतलब x इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 5 पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट्स वेरीफाई, px की वैल्यू p माइनस 3 बाय 5 पुट करते हैं इसमें, माइनस 3 बाय 5 इंटू 5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल हुआ, माइनस 3 प्लस 3 एंड 0 हो गया। यानी कि ये हमारे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आया है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस 3 बाय 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।